हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सेविंग विद पिंकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार एवं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक लेके आई हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताऊँगी कि जैसे ये कुर्ते का जो पीछे का भाग होता है ये आगे की तरफ क्यों आता है, और हमारा गला होता है जो वो आगे की तरफ क्यों गिरता है। ऐसे आगे की तरफ आने से ये हमारा गला है जो कि बड़ा भी हो जाता है, और ऐसे इतना ज़्यादा डीप गला कई बार बहुत अजीब लगता है। इसके लिए आज मैं इसकी ट्रिक लेके आई हूँ। सबसे पहले हमने ये तीरा जोड़ने के लिए जो टांका लगाया हुआ है हम इसको खोलेंगे। ये मैंने खोल लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ से इसको ऐसे खोल लिया है, और इसका हमारा गले का या कंधों का आगे की तरफ गिरने का सबसे मेन कारण यही है कि जो इसमें कुर्ती का पिछला भाग है ये हमने कुछ ज़्यादा ही काट रखा है, और इसको मैं सिर्फ आधा इंच फालतू ले रही हूँ, और आधा इंच से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा मैं उसको काट दूँगी। ये मैं यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा रही हूँ, ये मैंने निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से आधा आधा इंच उस फालतू रखा है, और ये जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मैं इसको अब निकाल दूँगी। तो आधा इंच फालतू हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारा आगे का और पीछे का जो कि ये बिल्कुल इक्वल रहे, और इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना चाहिए, जिससे कि फिर हमारा गला होता है जो आगे की तरफ गिरने लगता है। अब ये मैंने दोनों तरफ से ऐसे काट दिया इसको आधा इंच एक्स्ट्रा रख के। अब मैं इसको दोनों आगे के और पीछे के दोनों भाग को फ्रेंड्स जोड़ दूंगी दोबारा से। ये मैंने इसको जोड़ दिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा जो कंधे का ये बीच और तीरे का जो भी हमारा जोड़ था ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। पहले ये आगे की तरफ झुका हुआ था, अब हमारे कंधे हैं जो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, और जो कि गले का साइज है वो भी सही हो गया है, गला हमारा आगे की तरफ नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।